स्पोर्ट्स आर पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं उसमें दो शख्स नजर आ रहे हैं, एक टीम मीटिंग में रहते हैं और एक प्लेइंग 11 में रहते हैं। पीछे डीजे ब्रावो आपको नजर आ रहे हैं और रविंद्र जडेजा नजर आ रहे हैं। सीएसके के लिए इनकी सर्विसेज कौन भूल सकता है। डीजे ब्रावो के नाम से भी इनको जाना जाता है। वो नए रोल में भी हैं, खिलाड़ी पहले हुआ करते थे, वो कोच के रोल में है। लेकिन एक इंटरव्यू में जो कल मैच हुआ सीएसके वर्सेस हैदराबाद का, उसके बाद ऐसी हंसी मजाक में जो आपस के फन बैंटर चलते हैं उसमें एक इंटरव्यू में रविंद्र जडेजा ने डीजे ब्रावो से पूछ लिया कि आप तो कोच हैं लेकिन आप कभी कभी ये भूल जाते हैं और आपको लगता है कि आप प्लेयर हैं। इस पर डीजे ब्रावो ने भी काफ़ी मज़ेदार सा जवाब भी दिया। वो जवाब हम आपको एग्जैक्टली पढ़ के भी बताएंगे। पहले बता दें जडेजा ने क्या कहा। जडेजा ने बोला कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये था कि आपको लगता है कि आप अभी भी कई बार ये भूल जाते हैं कि आप प्लेयर नहीं एक कोच हैं, अपने नए रोल के बारे में हमें बताएं। तो डीजे ब्रावो इस पर क्या कहते हैं। डीजे ब्रावो कहते हैं इस पर कि मैं इसका पूरा लुत्फ उठा रहा हूं, मतलब इंजॉय कर रहा हूं अपने नए रोल को। मैंने पहले भी कहा था कि ये मेरे लिए एक नया रोल है। हालांकि जब मैं प्लेयर था तब भी ये काम करता था। मैं यंगस्टर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। बस अंतर ये है कि अब मैं मैदान पे नहीं रहता, मैं अब टीम मीटिंग्स में रहता हूँ जहाँ पे हम बैठ के रणनीतियाँ बनाते हैं टीम के लिए। और अभी हम फिलहाल काम कर रहे हैं डेथ ओवर्स में। जैसे कि आपको पता है चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही है, क्योंकि आपको पता है उनके मेन बॉलर्स इस वक्त इंजर्ड हैं। बेन स्टोक्स पे भी एक अपडेट आई थी कि वो भी काफ़ी एक हफ्ते के लिए अवेलेबल शायद से ना रहे। मुकेश चौधरी का आपको पता है, दीपक चहर का आपको पता है, कायल जेमिसन पहले ही बार हो गए थे, तुषार देशपांडे पे भरोसा करा, महेंद्र सिंह धोनी में वहाँ पे उन्होंने अच्छा डिलीवर भी किया टीम के लिए। और एक फोटो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसमें डीजे ब्रावो तुषार देशपांडे से वहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद तुषार देशपांडे आते हैं बॉलिंग करते हैं, वहाँ पे विकेट ले जाते हैं, वो भी तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो आपको पता है डीजे ब्रावो की सर्विसेज, उनकी जो वो एक अलग तरीके का कैरेक्टर भी हैं। मैदान में आपने उनको कई बार देखा एंजॉय करते हुए, विकेट जब लेते हैं तो अपने बिल्कुल वेस्ट इंडीजन अंदाज में वहाँ पे सेलिब्रेशन वो करते हैं। तो ऐसे ही एक फन बैंटर चल रहा था रविंद्र जडेजा और डीजे ब्रावो के बीच में। वहाँ पे उन्होंने पूछ लिया ऐसे कि आप भूल जाते हैं यार कि आप कोच हैं और अब आप प्लेयर नहीं है। लेकिन डीजे ब्रावो ऐसी शख्सियत हैं जो आपको एकदम इंजॉय कराते हैं। हालांकि अब वो सीएसके के साथ जुड़े हुए हैं एज अ कोच के तौर पर, प्लेयर के रूप में तो हमने बहुत देखा है, उनकी सर्विसेज सीएसके के लिए बहुत देखी हैं। लेकिन अब वो डेथ बॉलिंग में सीएसके के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आकाश सिंह की हम बात करें, वो आपको गेंदबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। धोनी बहुत ज़्यादा भरोसा उन पर कर रहे हैं। पथिराना श्रीलंका के, वो भी बहुत ज़्यादा आपको जिस तरीके से डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, वो भी महेंद्र सिंह धोनी उन पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के पीछे आपको मतलब कहीं ना कहीं डीजे ब्रावो का रोल हम मान सकते हैं, डीजे ब्रावो का हम योगदान हम मान सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं डीजे ब्रावो इस टीम के बॉलिंग ग्रुप का सक्सेस, जिसे बोलें कि सक्सेस से पीछे डीजे ब्रावो आपको नज़र आते हैं। और कई बार हमने महेंद्र सिंह धोनी से भी सुना है उनके बारे में, और कल की चीज़ें तो वायरल है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो उस पर आप भी अपनी राय दें, कमेंट करें, हमें बताएं। और स्पोर्ट्स आर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और आईपीएल की पूरी कवरेज स्पोर्ट्स आर पर आपको मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।